नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब सोने क्रूज मिसाइल निर्भय के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है जो डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2019 के महीने में और रिसेंटली डीआरडीओ ने निर्भय का सेकेंड सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया था। ये मिसाइल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, शायद आप सरप्राइज भी होंगे कि पाकिस्तान इस टाइप का मिसाइल ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। उनके पास ये मिसाइल, इस टाइप का मिसाइल है, एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसको वो बाबर कहते हैं, और पिछले 10 साल से वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए कि इस मिसाइल को हम भी डेवलप करें, और फाइनली लग रहा है कि अब हम सही पाथ पे हैं। मगर इसमें काफ़ी रुकावटें भी आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा अबाउट द सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे हो सकती है विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज दैट यू कैन परचेज फ्रॉम studyiq.com और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 के प्रीलिम्स के लिए। अगर हम पिछले साल देखें तो यूपीएससी काफ़ी बार इन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछ चुका है किसी भी डेवलपमेंट से जहां पर इंडिया ने डिफेंस के रूप में कोई नई महारत हासिल करी हो या फिर खुद कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी हो, चाहे वो डिफेंस या रिसर्च के फील्ड में हो। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में ये प्रश्न आ गया था कि बताओ इंड आर्क क्या है, न्यूज़ में आजकल बहुत है, बताओ ये क्या है। तो ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे दे दिए थे कि क्या ये रडार सिस्टम है जो इंडियन डिफेंस में रिसेंटली इंडक्ट हुआ है, या फिर ये एक सैटेलाइट लॉन्च हुई है, या फिर ये एक साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट है जो इंडिया ने एंटार्क्टिक रीजन में एस्टैब्लिश करी है, या फिर ये एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है जो इंडिया ने आर्टिक रीजन में लॉन्च करी है। तो इसका सही आंसर है डी, ये आर्टिक रीजन की एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। आर्टिक आपको मिलेगा धरती के नॉर्थ में, एंटार्क्टिक मिलेगा धरती के साउथ में। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और ऑब्वियसली 2018 में तो हमने देखा है कि मिलिट्री से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो काफ़ी अच्छे चांस है कि 2019 में डिफेंस रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। तो रिसेंटली अप्रैल 2019 के महीने में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया फॉर द सेकेंड टाइम इंडिया का इंडिजिनसली डिजाइंड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। इसको ऑफ कोर्स ओडिशा से हमने टेस्ट किया था। अब ये टेस्ट बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि निर्भय एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का। इस पर काम मैं कहूँगा 2011-12 से चल रहा है, फिर इस पर बहुत टेस्ट हुए और आप यकीन नहीं करेंगे कि लगातार इसके 4 टेस्ट अनसक्सेसफुल रहे। इसका पहला टेस्ट हुआ था 2013 में, उस वक्त जो इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये रीच नहीं कर पाया, टेस्ट फेल हो गया। फिर उसके बाद चार, एक के बाद एक टेस्ट हुए, चारों में ये फेल साबित हुआ, और फिर फाइनली ये 2017 में इसका एक टेस्ट हुआ था, फिर पहली बार वहाँ पे देखा गया कि निर्भय मिसाइल सक्सेसफुल साबित हुआ, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो इसने रीच किए। फिर अभी रिसेंटली 2019 में इसका सेकेंड सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इस टाइप का जो मिसाइल है ये 2010 में ही अपनी आर्मी में इंडक्ट कर चुका है और वो उसको यूज़ कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी में इंडिया जेन्युइनली पीछे रह गया है। जहाँ पर सबसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी की बात आती है, पाकिस्तान हमसे आगे है, और अभी वो बाबर 2 और बाबर 3 के भी वेरियंट्स पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो सेकेंड सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है निर्भय मिसाइल का, इसको मीडिया इतना सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद यहाँ पे हमको सक्सेस दिख रही है। और आप इमेजिन करके देखिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप चार बार लगातार फेल हो गए, तो उसके बाद एक बार सोचता आदमी कि उसको छोड़ ही देता हूँ। मगर यहाँ पे डीआरडीओ ने, मैं कहूँगा, हार नहीं मानी, एंड दे आर कंटिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड, और बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि निर्भय मिसाइल एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल, अभी सब समझाऊँगा सबसोनिक क्या होता है वगैरह, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। इस मिसाइल को आप धरती से, यहाँ पे धरती से लॉन्च हो रहा है, वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। आप इसको सुखोई में फिट करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसको किसी नेवल शिप, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शन है और इट इज़ अ ग्रेट मिसाइल। इसके बारे में ये जान लो कि इसकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है। तो इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है अभी बताई जाती है 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच,
अभी ऑफ कोर्स इसको डेवलप किया जा रहा है, जब फाइनली इसके सारे टेस्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कि इसकी ऑपरेशनल रेंज ये एक सेट कर दें, अभी के लिए 1000-1500 के बीच में है। स्पीड की अगर हम बात करें तो ये जो ध्वनि की स्पीड होती है द स्पीड ऑफ साउंड, उससे कुछ हद तक कम है। निर्भय की स्पीड है मार्क 0.6 से लेकर 0.7 तक। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका मतलब क्या होता है। आई एम श्योर आपने सुना होगा क्रूज मिसाइल के बारे में, बहुत ही तेज होते हैं, उनको गाइड किया जा सकता है, हिलते हुए टारगेट को भी हिट कर देते हैं, वो काफ़ी एडवांस वेपन्स होते हैं। तो देखो क्रूज मिसाइल के भी तीन टाइप होते हैं। एक तो होता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का बाबर हो गया, हमारा निर्भय हो गया। फिर जो सेकेंड कैटेगरी होती है क्रूज मिसाइल की वो होती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसमें आता है आपका ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब हमारे पास ब्रह्मोस है, पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस जैसा कोई मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस की स्पीड तो मार्क 3 तक पहुंचती है। फिर होता है थर्ड कैटेगरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, ये ऑलमोस्ट मार्क 5 तक पहुँच जाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड। और अभी तक इंडिया के पास कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है नहीं, बहुत सी कंट्रीज़ के पास नहीं है। USA भी काम कर रहा है, मैं कहूँगा डेवलप ही कर रहा है, अभी के लिए उनके पास कम्प्लीटली रेडी हुआ नहीं है। एक इन्होंने बोइंग X-51 के लिए तैयार किया है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इंडिया अभी के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है विद रशिया, इसका नाम है ब्रह्मोस 2। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा। अगर हम वैसे बात करें तो ठीक है, इंडिया अगर सबसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान से पीछे है तो पाकिस्तान के पास कोई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, तो यहाँ पे हम काफ़ी हद तक आगे हैं। मगर एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी आपकी आर्सेनल में होना एक काफ़ी एडवांटेजियस बात होती है, और इसलिए हम अब निर्भय को भी डेवलप कर रहे हैं इंडिजिनसली। इसमें कोई रशिया या फिर कोई US हमारी हेल्प नहीं कर रहा, निर्भय इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO अलोन। अब एक प्रश्न आपके माइंड में ये भी आएगा कि अगर हमारे पास अग्नि 4, अग्नि 5 और पृथ्वी मिसाइल्स हैं, इतने सारे मिसाइल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, और ब्रह्मोस भी है, फिर अब ब्रह्मोस 2 पर भी काम चल रहा है, तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं? एक सबसोनिक मिसाइल जो होता है, जो मार्क 1 से भी कम स्पीड का होता है, उसे हम डेवलप क्यों कर रहे हैं? देखिए इसका रीज़न है, जितनी आपके पास वैरायटी होगी उतना आप दुश्मन को सरप्राइज कर पाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जो ये क्रूज मिसाइल है सबसोनिक, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये रेडार को चकमा दे दे। चाहे ये इतने फास्ट नहीं होते मगर रेडार को चकमा देने के लिए ये काफ़ी कारगर होते हैं। और क्रूज मिसाइल एज ए होल, चाहे कोई भी हो, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक या सबसोनिक, कोई भी आप ले लीजिए, ये मूविंग टारगेट को हिट कर सकते हैं, और इनको आप लॉन्च करने से पहले डिसाइड कर सकते हैं कि ये कहाँ पे जाएंगे, और जब ये रास्ते में होते हैं तब भी इनकी ट्रेजेक्ट्री आप चेंज कर सकते हो, इनको आप नेविगेट कर सकते हो। ये क्रूज मिसाइल की खासियत है, मगर इनकी लिमिटेशन भी होती है, इनकी रेंज लिमिटेड होती है, ये 2000-3000 किलोमीटर तक अटैक नहीं कर सकते, और इनका जो पेलोड देने की कैपेसिटी होती है, अब जैसे निर्भय की अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकता है, मगर बहुत ज़्यादा भारी न्यूक्लियर वॉरहेड ये कैरी नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमको चाहिए होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप कह सकते हैं पृथ्वी मिसाइल हो गया, अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, धनुष बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सब हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये हम यूज़ करते हैं एक लॉन्गर रेंज के लिए। और इनका फ़ायदा ये होता है कि ये पहले बिल्कुल आसमान में जाते हैं, फिर आसमान से बहुत ही तेज़ी से धरती पे आते हैं, ऑलमोस्ट जैसे आप कोई ये गेंद फेंके हवा में तो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, उसी तरीके से एक बैलिस्टिक मिसाइल काम करता है। तो दोनों के अपने अपने यूज होते हैं एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर डिफेंस। फिर एक और मैं आपको बता दूं कि बैलिस्टिक में भी एक एडवांस्टेज आती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें हमारा अग्नि 5 आ जाता है जो कई कॉन्टिनेंट्स को पार करके अटैक कर सकता है। जो प्रॉपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक भी हो सकती है, हालांकि अग्नि की हम इतनी रेंज बताते नहीं हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल है बाबर मिसाइल का, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि वो इन्वेडर्स के नाम पे ये अपने मिसाइल के नाम क्यों रखते हैं, खैर टू इच जोन उनकी मर्ज़ी है। बाबर की अगर हम बात करें तो ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है इट इज़ मार्क 0.8। अब पाकिस्तान इसको काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान को एडवांटेज थी ओवर इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब तक ब्रह्मोस नहीं आया, तो फाइनली हम कैचअप कर रहे हैं एंड इट इज़ अ गुड थिंग फॉर आर डिफेंस। तो ये है हमारी वीडियो का अंत, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।